दोस्तों WhatsApp की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आफ्टर 1 नवंबर 2021 आप अपने WhatsApp को यूज़ नहीं कर पाओगे। दोस्तों ऐसा नहीं कि यहाँ पे सभी बंदे WhatsApp को यूज़ नहीं कर पाएंगे दोस्तों, बट यहाँ पे WhatsApp ने एक नई अपडेट में एक नई क्रिटेरिया बनाया। अगर आप उस क्रिटेरिया को फुलफिल कर देते हो तो आप इजीली से WhatsApp को यूज़ कर पाओगे। अगर नहीं, अगर आप और आपका डिवाइस उस क्रिटेरिया को फुलफिल करने में कैपेबल नहीं है तो फिर आप WhatsApp को भूल जाइए, आप WhatsApp नहीं यूज़ कर पाओगे। तो आगे आपको इस वीडियो में पता चली जाएगा क्या है वो क्रिटेरिया और किसे करना है आपको फुलफिल, जो उसके बाद आप यूज़ कर पाओगे WhatsApp। तो चले करते हैं वीडियो को फटाक से स्टार्ट। तो दोस्तों WhatsApp की नई अपडेट्स की अकॉर्डिंग अगर आपके पास दोस्तों कोई पुराना सा फ़ोन है जिसपे कि ओल्ड वर्जन की सॉफ्टवेयर वगैरह रन कर रही है, चाहे वो एंड्रॉयड हो या फिर iOS, तो दोस्तों आफ्टर 1 नवंबर ऑटोमेटिकली से उन सभी डिवाइस पे आपका WhatsApp बंद हो जाएगी। आपकी WhatsApp अगर अकाउंट है आपके उन ओल्ड वर्जन फ़ोन्स पे जिसपे कि सॉफ्टवेयर बहुत पुराना है, तो ऑटोमेटिकली से आपका अकाउंट डीएक्टिवेट होने वाला है, वहाँ पे आप कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ फ़ोन्स की लिस्ट, अगर इस लिस्ट में से आपका फ़ोन आता है तो आप बिल्कुल से भूल जाओ कि आफ्टर 1 नवंबर 2021 आपका WhatsApp रन करेगा। आपको WhatsApp रन कराने का कोई भी चांस ही नहीं है, तो आपको सिंपली से उसके लिए लेना पड़ेगा नया फ़ोन। अगर दोस्तों इस लिस्ट में आपकी डिवाइस की नेम या फ़ोन की नेम नहीं आ रही है तो आप किस तरह से चेक कर सकते हो कि आपकी कौन सी वर्जन की सॉफ्टवेयर है, उसके लिए सिंपली से आपको करना है WhatsApp को ओपन। WhatsApp को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टॉप राइट साइड में 3 डॉट बटन दिख रही है, उसे कर लो सिंपली से सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे में दिख रही होगी सेटिंग का ऑप्शन, तो आप कर लो इसे भी सेलेक्ट। इसे सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली से यहाँ पे कुछ खुल के आ रही है हेल्प एंड हेल्प सेंटर, तो आप यहाँ पे आप कर लो सेलेक्ट। एंड लास्ट प्रोसेस आपको यहाँ पे करना क्या, यहाँ पे आपको नीचे पे दिख रहा है इन्फो, ऐप इन्फो, तो कर लो सिंपली से इसे क्लिक। इसी क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा और यहाँ पे डायरेक्टली आपका WhatsApp वर्जन लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका कौन सा वर्जन। जिस तरह से यहाँ पे स्क्रीन पे मेरा WhatsApp वर्जन आ गया है 2.21.21.17, तो इसी तरह से सिंपली आप भी चेक कर सकते हो कि आपका कौन सा WhatsApp वर्जन है। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो तो अगर आपके फ़ोन में कम से कम एंड्रॉयड 4.1 का सॉफ्टवेयर भी रन कर रही है तो आप कैपेबल हो WhatsApp को अपने फ़ोन में रन कराने। अगर आपका 4.0 जैसे उससे कम 3.9 इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर, तो आप बिल्कुल भूल जाओ, आप बिल्कुल भी कैपेबल नहीं हो WhatsApp रन कराने के लिए आफ्टर 1 नवंबर 2021। एंड दोस्तों अगर आप iOS यूज़र हो तो आपका क्रिटेरिया ये है कि अगर आप मिनिमम आपके पास iOS 11 रहना चाहिए, अगर उससे कम जैसे कि आपके पास iOS 10 है लाइक iPhone 6 इस तरह के डिवाइस है, तो आप बिल्कुल से भूल जाओ कि आप WhatsApp को रन करा पाओगे आफ्टर 1 नवंबर 2021 आप इन सभी फोन्स में। तो आपका iOS वाले का क्राइटेरिया ये है कि मिनिमम आपको iOS 11 रखें, अगर iOS 11 से कम है जैसे iOS 10 iOS 9 तो इस तरह के डिवाइस में आप बिल्कुल से भूल जाओ कि आप WhatsApp आप रन करा पाओगे, आपका डिवाइस बिल्कुल से अभी कैपेबल नहीं है आप WhatsApp की नई पॉलिसी नई अपडेट के सपोर्ट करने के लिए। एंड दोस्तों यहाँ पे बच गए जियो फोन वाले, जो कि दोस्तों कायस 2.5.0 जैसे सॉफ्टवेयर ओल्ड वर्जन सॉफ्टवेयर पे भी WhatsApp को रन करा पाते थे, बिल्कुल आप नहीं। दोस्तों अभी दीपावली के बहुत से अच्छे अच्छे ऑफर्स निकल के आ रहे हैं बहुत से ऑनलाइन शॉपिंग साइट पे, तो आप जाओ सिंपली से और बाय कर लो ये फ़ोन, बिल्कुल से भूल जाओ कि अब आपके जियो फ़ोन में जो पुराना वाला जियो फोन जिसमें कायस 2.5.0 इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं उतना ओल्ड सॉफ्टवेयर थे उस पर रन करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। दोस्तों आप सिंपली से जाओ, दिवाली पे बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आ रही है, आप जाके एक फ़ोन बाय कर। तो दोस्तों आप यहाँ पे ये बात कर ले कि आखिर WhatsApp ऐसा स्टेप क्यों ले रहा है, तो सबसे फर्स्ट एंड सबसे बड़ी रीज़न ये कि आपको दोस्तों पता ही होगा कुछ दिन पहले शायद 2021 के लास्ट मंथ के आसपास WhatsApp ने WhatsApp पे को लॉन्च किया, तो उसी के सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दोस्तों ये स्टेप लिया जा रहा है। एंड सेकेंड थिंग ये कि दोस्तों WhatsApp पे बहुत ज़्यादा यूजर्स लोड हैं एंड ऐसे ऐसे बहुत से बंदे हैं जो WhatsApp चला के बस छोड़ देते हैं, उसे यूज़ नहीं करते हैं,
बस अपने अकाउंट्स को क्रिएट कर लेते हैं, तो उस तरह से व्हाट्सएप पे ऑटोमेटिकली से बहुत से लोड बढ़ चुके हैं, तो उसे मेंटेनेंस करने के लिए भी व्हाट्सएप ये स्टेप ले रही है। तो अब लास्टली बात कर लूँ कि इन सब का क्या कंक्लूजन निकल के आ रही है, आखिर क्या करना चाहिए अगर आपके पास ओल्ड वर्जन फ़ोन है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहला कंक्लूजन दूंगा और सबसे बेस्ट भी कि दोस्तों आप छोड़ो, आप नया फ़ोन लो और उस पर आप नया अप टू डेट वर्जन फ़ोन लो और उस पर आप व्हाट्सएप उसी अकाउंट को आप रन कराओ। अगर आपके पास पुराना फ़ोन है तो मुझे तो नहीं लगता है कि आप उसे रन करा पाओगे ओल्ड वर्जन के सॉफ्टवेयर में। एंड सेकंड कंक्लूजन ये है कि अगर आप कर सकते हो तो अगर आपके पास तो सही है, तो कोई प्रॉब्लम है अगर आप अपने फ़ोन के सॉफ्टवेयर को अप टू डेट कर सकते हो। जितना क्राइटेरिया है कि मिनिमम एंड्रॉयड, अगर आप एंड्रॉयड यूजर हो तो मिनिमम आपको 4.1 एंड्रॉयड वर्जन रखनी है मिनिमम, एंड अगर आप iOS यूज़र हो तो आपको मिनिमम एंड्रॉयड 11 रखनी है। तो आप जान लो, अगर आप इन दोनों कंक्लूजन में आपको जो भी अच्छा लगे आप उसे चूज कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगे, तो दोस्तों एक लाइक कर देना एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, इसी तरह के वीडियो के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम।